नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज हम बात करेंगे एक और लेटेस्ट मॉडल की, जो कि 2023 के अंदर रिसेंटली लॉन्च हुआ है। और इस ट्रैक्टर के फीचर वगैरह सारी जानकारी हम आपको देंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, और अगर अच्छा नहीं लगा तो कौन सा पार्ट आपको अच्छा नहीं लगा। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में एंड तक। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फार्म ट्रक की ओर से आने वाला फार्म ट्रक का 45 सुपर स्मार्ट ट्रैक्टर के बारे में। ये ट्रैक्टर दोस्तों 3 सिलेंडर के साथ आता है। दोस्तों 3 सिलेंडर का इंजन मिल जाता है, बॉस का इनलाइन पंप आपको इसमें देखने को मिलता है। साथ ही 45 HP की कैटेगरी का ट्रैक्टर होने वाला है। ये 45 से 50 HP का कैटेगरी का ट्रैक्टर है। बॉस कंपनी का इनलाइन पंप आपको इस ट्रैक्टर में देखने को मिल जाता है। 2868 CC का इंजन इस ट्रैक्टर में आपको देखने को मिलता है। वाटर सेपरेटर भी आपको साइड में मिल जाता है, जिससे इंजन जो है मेंटेनेंस फ्री रहता है। पावर स्टेयरिंग मिल जाती है आपको, डुअल एक्टिंग पावर स्टेयरिंग इस ट्रैक्टर में आपको देखने को मिलती है, जो कि बहुत शानदार रहती है, जिसके लिए आपको सेपरेट ऑयल पंप भी दिया गया है। साथ ही इसमें मिलती है आपको एडजस्टेबल फ्रंट एक्सल, जिसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आप जिस प्रकार की खेती कर रहे हैं उसके हिसाब से आप इसके फ्रंट एक्सल को एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों इस ट्रैक्टर के फ्रंट लुक की बात करें तो इसमें बहुत बढ़िया तरीके से क्रोम फिनिश में आपको फार्म ट्रक की बैजिंग देखने को मिल जाती है, जो कि अट्रैक्टिव लुक ट्रैक्टर को प्रदान कर रही है। और ट्रैक्टर बहुत ही शानदार लग रहा है। ट्रैक्टर में सामने आपको जो है कंपनी फिल्टर बम्पर मिल जाता है, जो कि बहुत बढ़िया लेटेस्ट डिजाइन का है। साथ ही दोनों साइड आपको हेलोजन हेडलाइट मिल जाती है LED की फिनिशिंग के साथ। बहुत शानदार आपको LED हेडलाइट आपको देखने को मिलती है, जो रात के समय बढ़िया विजिबिलिटी आपको देने वाली है। और ट्रैक्टर में दोस्तों सामने फ्रंट में जाली मिल जाती है, जो कि ट्रैक्टर के रेडिएटर तक प्रॉपर हवा पहुंचाने वाली है। आगे के टायर आपको 6/50/16 के मिल जाते हैं और पीछे के टायर 14/9/28 के मिल जाते हैं। ट्रैक्टर बहुत शानदार जानदार और पावरफुल होने वाला है। ट्रैक्टर में साइड माउंट बैटरी रहती है दोस्तों। बैटरी बॉक्स भी काफ़ी हैवी ड्यूटी जो है आयरन का बनाया गया है दोस्तों। बैटरी बॉक्स भी बहुत बढ़िया मिल जाता है आपको, और इसमें डीलक्स टाइप की सीट मिल जाती है, बहुत बढ़िया एडजस्टेबल सीट मिल जाती है, इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों बात करें इस ट्रैक्टर के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसमें एनालॉग प्लस डिजिटल दोनों टाइप का मिल जाता है। साथ ही इसमें एक चार्ट मिल जाता है, जिसके जरिए आप डीजल ट्रैक्टर की डीजल खपत को बहुत कम कर सकते हो। कौन से इंप्लीमेंट पर किस प्रकार से किस गियर में चलानी है, सारी इस चार्ट में इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाती है। इस ट्रैक्टर की गियर बॉक्स की बात करें तो फुली सिंक्रोमैक्स टाइप का आपको गियर बॉक्स मिल जाता है, जिसमें आपको मिलते हैं दोस्तों 8 फॉरवर्ड में और 2 रिवर्स में, यानी 8 आगे जाने के लिए और 2 पीछे के लिए आपको गियर मिल जाते हैं। बहुत शानदार सेंटर शिफ्टिंग गियर बॉक्स के साथ ये ट्रैक्टर आने वाला है, जो कि काफ़ी शानदार गियर बॉक्स माना जाता है। साइड में आप देखें तो यहाँ पर आपको DCPC लीवर देखने को मिलता है, यानी लिफ्ट पोजीशन लीवर। इनसे आप अपनी लिफ्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। जो आपको ऑरेंज वाला लीवर दिख रहा है, इससे आप अगर ट्रैक्टर की गहरी जुताई कर रहे हैं तो इससे आप लिफ्ट को कंट्रोल कीजिएगा, और नॉर्मल जुताई के लिए आप ब्लैक वाले लीवर से लिफ्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। दोनों लीवर के साथ आप बहुत अच्छे तरीके से जो है जुताई कर सकते हैं इस ट्रैक्टर को। अगर आप चाहें तो दोनों लीवर के साथ भी इस ट्रैक्टर की लिफ्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों DCPC लीवर आपको बहुत बढ़िया तरीके से साइड में माउंट मिल जाते हैं। और बात करें इस ट्रैक्टर के और फीचर की, तो इस ट्रैक्टर में दिया जाता है दोस्तों लिफ्ट को कंट्रोल करने के लिए। यदि आप लिफ्ट पर वजन लाद के ले जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो लिफ्ट लॉक भी इस ट्रैक्टर में आपको देखने को मिलता है, जिसके जरिए आप अपने लिफ्ट को लॉक करके कहीं भी ले जा सकते हैं। यहाँ पर आपको पार्किंग ब्रेक मिल जाता है। साथ ही इसमें 68 लीटर का डीजल टैंक आपको देखने को मिलता है। ट्रैक्टर का सामने से लुक देखें तो बहुत बढ़िया और अट्रैक्टिव लुक ट्रैक्टर को देखने को मिलता है। साथ ही यहाँ देखें तो आपको PTU मिल जाता है, PTU लीवर आपको साइड में देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी शानदार होने वाला है। पर इस ट्रैक्टर में दोस्तों ब्रेक की बात करें तो ऑयल इमर्स ब्रेक आपको देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी शानदार रहने वाले हैं। और इसके PTO की बात करें हम, तो इस ट्रैक्टर का PTO जो है दोस्तों 540 चक्कर वाला आपको देखने को मिल जाता है। 540 रिवर्स PTO आपको यहां पर देखने को मिलता है। पीछे लिफ्ट की बात करें तो इसमें दोस्तों आपको मिलती है 1500 kg की ATDC लिफ्ट, जो कि काफ़ी शानदार रहती है। और साथ ही एक डिस्ट्रीब्यूटर बॉल्ब भी मिल जाता है। 3 सेंसिंग पॉइंट के साथ ये ट्रैक्टर आने वाला है। ट्रॉली के लिए बेहतरीन हैवी ड्यूटी हिच आपको देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी शानदार है। पीछे से भी इस ट्रैक्टर की बॉडी बहुत मजबूत बनाई गई है, और पीछे से लुक देखें ट्रैक्टर का तो काफ़ी अट्रैक्टिव है। रियल एक्सर भी बहुत बढ़िया मिल जाता है। ऑयल इमर्स ब्रेक आपको इस ट्रैक्टर में देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया अच्छी ब्रेकिंग देने वाले हैं। ऑयल ब्रेक हर ट्रैक्टर में अच्छे ब्रेक देने वाले हैं। आजकल हर ट्रैक्टर में आपको ऑयल ब्रेक देखने को मिलते हैं। 3 सेंसिंग पॉइंट मिल जाते हैं, जो आपको हर प्रकार की मिट्टी में जुताई करने के लिए आसान रहेंगे। और दोस्तों इसमें बात करें तो एक ऑक्सिलरी बल्ब मिल जाता है, जिससे आप किसी भी इम्प्लीमेंट को आसानी से चला सकते हैं। यहाँ पर आप देखें तो LED टाइप में आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं साइड वाले, जो कि काफ़ी शानदार लुक ट्रैक्टर को दे रहे हैं।
ट्रैक्टर बहुत शानदार जानदार जो है पारम ट्रक की ओर से आने वाला है। इस ट्रैक्टर की प्राइस रेंज की बात करें तो ये ट्रैक्टर आपको 6,90,000 से लेके 7,20,000 के आसपास मिल जाता है। लोन पर यह ट्रैक्टर आपको मिल जाएगा दोस्तों 10,00,000 के आसपास होने वाला है। ट्रैक्टर बहुत शानदार जानदार रहने वाला है दोस्तों। 5 साल की गारंटी इस ट्रैक्टर में आपको देखने को मिलती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राम जी की।